गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो वी हियर स्टडी अबाउट द एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। इन प्रीवियस क्लासेस वी नो दैट द ऑल द सबस्टेंस are consist of the matter and all matter is composed of atom। और जितने भी matter होते हैं सब atom से मिल करके बने होते हैं। इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे या इन्हीं के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैटर इज प्रजेंट एवरीवेयर। मैटर अर्थात जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, वो प्रत्येक जगह पर या प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी मैटर होते हैं या सभी मैटर एटम्स के द्वारा बनाए गए होते हैं या एटम से मिलकर के बने होते हैं। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स होते हैं, यानी मैटर जो अधिक बिल्डिंग से के ब्लॉक्स होते हैं उन्हीं का छोटा सा पार्ट ही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट की। जो एटम होता है वह एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा कण होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम ऑफ सेम आर डिफरेंट साइज। कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, आर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम। अलग अलग एटम के अरेंजमेंट होने के कारण ऑफ डिफरेंट साइज और अलग अलग साइज होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इट इज फाउंड दैट एटम आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब पार्टिकल। इट इज फाउंड और यह पाते हैं, यह हमें मिलता है दैट की एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब पार्टिकल। जो एटम होता है वह छोटे छोटे सब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज एटॉमिक सब पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग और समझने के लिए हम क्या करते हैं, दीज एटॉमिक सब पार्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, और समझने के लिए हमें इन पार्टिकलों के बारे में भी जानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो मैटर्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा, उनके सब पार्टिकल को जानना पड़ेगा। उनके कैरेक्टर को जानने के लिए हमें मैटर के प्रॉपर्टीज को और उनके सब पार्टिकल को भी जानना पड़ेगा। आइए अब हम उसके बारे में जानेंगे। क्या द एटम इज द सेम केमिकल एलिमेंट। जो एटम होता है वह समान प्रकार का एक रासायनिक तत्व होता है। हैव इक्वल साइज, जो समान साइज में होता है। मास, समान मास में होता है। एंड नेचर, और उसकी प्रकृति भी क्या होती है, सेम होती है। दे डिफरेंट फॉर्म द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। कह रहा है जो दूसरे तत्व के एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय इट्स एटम। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उन केमिकल एलिमेंट्स की जो साइज होती है या जो प्रॉपर्टीज होती है वह उनके एटम की साइज और प्रॉपर्टी पर डिपेंड होती है। क्योंकि अलग अलग जितने भी एटम्स होते हैं उनकी साइज अलग होती है और वो अलग अलग तत्वों का निर्माण करते हैं। एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल व्हेन इट कंबाइंस विथ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट। कह रहा है एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट ए मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जो
एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, कह रहा है एलिमेंट सेम प्रकार के या अस्थाई एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। व्हेन इट कंबाइन विद द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, या जब सेम प्रकार के या अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, कह रहा है जो एलिमेंट्स होता है वह एज ए मॉलिक्यूल्स होता है। व्हेन इट कंबाइंस विद द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, जब वह अलग अलग प्रकार के या सेम प्रकार के एटम से मिलता है तो किस क्या बदल जाता है, वो मॉलिक्यूल में बदल जाता है। व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इट इज नोन एज कंपाउंड, और जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स या डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक निश्चित रेशियो में या एक निश्चित रूप में कंबाइन होते हैं तो उसे हम कंपाउंड कह देते हैं। देयरफॉर इस प्रकार ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, लेकिन सभी जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, Cl2 मिला यानी क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिला तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये सब तो मॉलिक्यूल बन गए लेकिन ये सेम प्रकार के एलिमेंट्स थे। आर द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट दे आर फॉर्म ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप्स, अब देखिए लेकिन यही जब आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से तो वो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो बना दिए क्या H2O, फिर Na और Cl मिल गया तो बना दिया NaCl, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। एज दे फॉर्म ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, क्यों, क्योंकि यह अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों से मिलकर के बने होते हैं। देखिए यहाँ जो मिला सेम प्रकार का एलिमेंट्स मिला है लेकिन यहाँ क्या हुआ डिफरेंट प्रकार का, ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन यह हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, जबकि यह क्या है होमो, होमो मीन्स होता है सेम, यह सेम प्रकार का एटम से मिलकर के बना, इसलिए यह क्या हो जाएगा यह भी मॉलिक्यूल है लेकिन यह होमोएटॉमिक या होमो मॉलिक्यूल्स है और ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स है, इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। देखिए इसीलिए कहा है कि सभी जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं है लेकिन जितने भी कंपाउंड है सब क्या है मॉलिक्यूल है। आइए हम आगे अब चलते हैं। एंशियंट व्यूज अबाउट द एटम, कह रहा है हमारे जो पूर्वज थे या जो प्राचीन हमारी धारणा है या विचार है वो एटम्स के बारे में क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंडियन फिलोसोफर महर्षि खंड, कह रहा है इंडियन फिलोसोफर मतलब भारतीय जो फिलोसोफर थे दार्शनिक थे महर्षि खंड, ये एक साइंस थे महात्मा थे ऋषि थे, सेड दैट, बताया कि या कहा कि ही इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, उन्होंने कहा कि यदि हम मैटर को क्या करते जाएं डिवाइडिंग करते जाएं यानी तोड़ते जाएं, विच इज कॉल्ड द पदार्थ इन हिंदी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं पदार्थ बोलते हैं, यानी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं वी विल गेट स्मॉलर, तो हम छोटा सा छोटा उसका रूप क्या होंगे पाते जाएंगे, किसका उस पदार्थ का छोटा सा छोटा रूप हम को मिलेगा। अल्टीमेटली वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और वह छोटा सा जो पार्टिकल होगा मैटर का वह हमें प्राप्त होगा, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, और जिसे हम आगे और तोड़ नहीं सकते हैं। बेस ऑन दिस फिलॉसफी कांट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज
प्रपोज दैट मैटर आर पदार्थ इज मेड अप द वेरी स्मॉल पार्टिकल, कह रहा है कि जो कांट थे फिलासफर, उन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया, प्रपोज किया, अपना बताया कि जो पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु है वह किसका भाग है, मैटर का या पदार्थ का भाग है। जॉन डाल्टन कॉल्ड दिस पार्टिकल नेम इज नेम बाय द नेम ऑफ एटम, जॉन डाल्टन ने इसी को क्या नाम दिया, एटम कहा, जबकि खंड ने क्या नाम दिया था, खंड ने इसका नाम दिया था परमाणु, जबकि डाल्टन ने क्या कहा, एटम कहा, महर्षि खंड ने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा था। इस प्रकार ये जो जॉन डाल्टन ने बात बताई, इसकी इन सब के बारे में हमारे ऋषि महात्माओं ने पहले ही हमें बता दिया था, बशर्ते उसका नाम केवल अलग था। आइए हम आगे अब देखते हैं। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल, कह रहा है जो एटम्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कत्यायमा वेंट ए स्टेप फर्दर एज प्रपोज द पार्टिकल ऑफ मैटर्स एटम्स आर परमाणु नॉर्मली एक्सिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल गिव द वेरियस काइंड ऑफ मैटर, दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज नाउ कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि जो एटम होता है उस एटम का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल माने अविभाज्य, यानी जिसको हम और तोड़ न सके। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम और आगे भी तोड़ न सके, अनदर इंडियन फिलोसफर और दूसरे जो भारतीय दार्शनिक थे पाकुदा कात्यायमा वेंट ए स्टेप फर्दर एंड प्रपोज द पार्टिकल ऑफ मैटर एटम आर परमाणु नॉर्मली एक्सिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, कह रहा कि जो पाकुदा कात्यायन थे उन्होंने इससे आगे भी एक स्टेप दिया और कहा कि जो एटम्स होते हैं या परमाणु होते हैं वह नॉर्मली एक्सिस्ट इन कंबाइंड, वह कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, एंड कंबाइंड मतलब जुड़े फॉर्म में होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल गिव द वेरियस काइंड ऑफ मैटर, कह रहा है अलग अलग पार्टिकल के मिलने से बने होने के कारण इनके प्रकार भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज नाउ कॉल्ड द मॉलिक्यूल, और इस बने हुए फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। थिंक एंड आंसर, एज वी जस्ट स्टडीज दैट ऑल द कंपाउंड आर द मॉलिक्यूल, कैन वी ऑल्सो से दैट ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल, कह रहा है कि क्या जो हमने अध्ययन किया है कि ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैन वी ऑल्सो से दैट ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल, क्या हम यह कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिल एलिमेंट्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि डाल्टन ने क्या बताया, एटॉमिक थ्योरी जो दिया है उस एटॉमिक थ्योरी में क्या जॉन डाल्टन ने बताया था। तो इसके पहले हमने महर्षि खंड को पढ़ा और अलग अलग फिलासफर भारत में भी हुए, वो सब भी अपना विचार दिए, जॉन डाल्टन ने भी दिया। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखा जाए, द थियरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल, कह रहा है ये जो थियरी दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी या सभी जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के या एटम से मिलकर के बने होते हैं, कॉल्ड द एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर, और इसे ही एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर भी कहा जाता है, यानी सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, इसे एटॉमिक थियरी या परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं।
डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। कह रहा है कि जो डाल्टन महोदय थे, इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी को 1808 यानी 1808 में जो है वो सबके सामने रखा। द वेरियस पास्टुलेट्स आर द इंजेक्शन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर आर एज फॉलो। कह रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के जो उनके निष्कर्ष थे, पॉइंट थे, उन पॉइंटों को नीचे दिया गया है। आइए उन पॉइंटों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर होते हैं या सभी मैटर जो होते हैं वो वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, एटम को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, एटम अलग अलग प्रकार के होते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम, यानी देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम, जो एटम्स होते हैं इनके बहुत अधिक प्रकार होते हैं। एज आर एलिमेंट, जैसा कि एलिमेंट का होता है वैसे ही किसका होता है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, या जो एटम्स होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कह रहा है ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी दिए गए एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। इन ए वेरी एवरी रिस्पेक्ट, प्रत्येक रिस्पेक्ट में एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। हैविंग द सेम साइज, उनकी साइज क्या होती है, सेम होती है। उनका मास क्या होता है, सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कह रहा है डिफरेंट प्रकार के जो एलिमेंट के एटम होते हैं उनकी मास, उनकी साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, कह रहा है द नंबर, नंबर मीन संख्या, एंड काइंड ऑफ एटम और एटम के प्रकार, इन गिवन ए कंपाउंड इन फिक्स, कंपाउंड में फिक्स होते हैं, यानी जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा उनमें एटम के नंबर और उनकी संख्या और उनके प्रकार क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान एटम और डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों में कंबाइन ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड, कह रहा जो एलिमेंट होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, पूर्णांक में होते हैं, जो कंपाउंड का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन द मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कह रहा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, समान प्रकार के एलिमेंट्स के एटम कैन कंबाइन इन मोर, अधिक संख्या में, देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर, और एक ही रेशियो में, निश्चित रेशियो में, देन वन कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में रह सकते हैं या होते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब मतलब होता है, कह रहा है जो एटम है उस एटम को तो हम तोड़ सकते नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक जो थे हमारे उन्होंने इसके भी पार्टिकल को और सब पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, यानी उपखंडों में विभाजित कर दिया। और वो उपखंड कौन कौन से हैं, तो आइए देखा जाए। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, सब ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, कह रहा है कि जो डाल्टन्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया उसमें सभी पॉइंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं थे। वन ऑफ द मेजर
ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर इज दैट एटम आर टू बी इनडिविजिबल। उन्होंने बताया कि एटम को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो कैसा है, इनडिविजिबल है, विच कैन नॉट बी डिवाइड। इट इज हाउएवर साइंटिफिकली प्रूव्ड नाउ दैट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इस प्रकार जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नाउ, बाद में वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव कर दिया कि इस एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिवाइड किए तो उसके तीन पार्ट हमको मिले, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। सो एटम आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटम्स होता है वह थ्री पार्टिकल से मिलकर के बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल, तीनों पार्टिकलों को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल आर सब एटॉमिक पार्टिकल, या हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम अगले चैप्टर में शुरू करेंगे या अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आपको इतना जो मैंने समझाया या जो स्टडी कराया, इसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।